सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरेक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न कातते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर और धन के विषय की बातें बताते और समझाते हुए उनसे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति एक से बैर रखेगा तो दूसरे से प्रेम करेगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर दो स्वामियों की सेवा करना चाहता है तो दोनों से समान प्रेम नहीं रखने पाएगा, क्योंकि एक से बैर तो दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा, एक से मिला रहेगा, एक की सराहना करेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसलिए वचन कहती है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर को प्राप्त और धन को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर को प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें धन से दूरियां बनानी होगी। अगर धन को प्राप्त करना चाहोगे तो परमेश्वर से दूरियां बनानी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक से प्रेम करता है तो दूसरे के, यानी एक से प्रेम करता है तो उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में बहुमूल्य समझता है, तो दूसरे से वह प्रेम नहीं कर सकता, ना ही दूसरे की आज्ञा को अपने जीवन में बहुमूल्य समझ सकता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति संसार में परमेश्वर से प्रेम रखता है वह परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहेगा, और वह व्यक्ति धन से प्रेम नहीं रख सकता, वह धन को इकट्ठा अपने पास नहीं कर सकता। अगर वह परमेश्वर को अपने जीवन में वह बहुमूल्य समझता है और अपने जीवन में उसे बुलाना चाहता है, करीब होना चाहता है, तो वह धन से दूर हो जाएगा। अगर धन को अपने जीवन में बहुमूल्य समझेगा और उसे अपने करीब बुलाने की कोशिश करेगा, वह परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, इसीलिए वह कहता है कि अपने प्राण के लिए, कहता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने प्राण के लिए यह न चिंता कभी करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम कभी भी अपने देह के विषय में, संसार के विषय में कभी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सवाल करते हुए कहते हैं कि मुझे बताओ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या तुम्हारा प्राण भोजन से बहुमूल्य नहीं है? क्या तुम्हारी शरीर वस्त्र से बहुमूल्य नहीं है?
कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारा प्राण भोजन से बहुमूल्य नहीं है, तुम्हारे प्राण और भोजन में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन बहुमूल्य है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राण बहुमूल्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बताओ कि क्या प्राण भोजन से बहुमूल्य नहीं, शरीर वस्त्र से कीमती नहीं है? प्राण भोजन से कीमती और शरीर वस्त्र से कीमती नहीं है? अरे जब कीमती है तो तुम क्यों चिंता करती हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? और जिसने इस शरीर को बनाया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, क्या वह तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? क्या वह तुम्हारे भोजन की चिंता नहीं करेगा और तुम्हारे तुम्हारे पानी की चिंता नहीं करेगा, तुम्हारे कपड़े की चिंता नहीं करेगा? कहता है देखो, अरे आकाश के पक्षियों की तरफ ध्यान दो, उन आकाश के पक्षियों को देखो, ध्यान दो कि वे न बोते हैं, न काटते हैं और ना ही वह अपने खत्ते में इकट्ठे करते हैं। कहता है कि तुम अपने प्राण की चिंता क्यों करते हो? कहता है कि उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ही वे बोते हैं, ना ही काटते हैं, ना ही वो अपने खत्ते खलिहान में बटोरते हैं। कहता है फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें उनको खिलाता है। फिर भी क्या करता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वे न बोते हैं, न काटते हैं, न ही अपने भंडार में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन पक्षियों को खिलाता है। कहता है कि जब वह पक्षियों को खिलाता है तो क्या तुम उन पक्षियों से अधिक बहुमूल्य नहीं हो? क्या उस परमेश्वर के लिए तुम उन पक्षियों से अधिक बहुमूल्य नहीं हो? वह क्या तुम उनसे बहुमूल्य अपने आप को नहीं रखते हो? कहता है कि तुम में ऐसा कौन आदमी है, यीशु मसीह ने कहा मुझे बता कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम चिंता करते हो ना अपने जीवन की, इस संसार की चिंता करते हो ना, संसार के खाने पीने पहनने ओढ़ने की रहने की चिंता करते हो ना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता कर करके अपनी आयु की एक घड़ी अर्थात अपनी उम्र का एक सेकेंड समय बढ़ा सकता है? कौन है? कहता है एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता है, एक छोटा सा काम तुम अपने आयु की एक घड़ी एक सेकेंड समय भी नहीं बढ़ा सकते। चिंता करके बढ़ाओगे नहीं परंतु घटा लोगे, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। जो चिंता होता है वो चिता के समान होता है। कोई व्यक्ति अगर चिंता करना चालू कर दे, अगर वो चिंताओं में डूब जाए, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति की या वस्तु की अगर चिंता करना चालू कर दे, तो वह उम्र को तो नहीं बढ़ाएगा परंतु अपनी उम्र को घटा देगा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जब तुम चिंता करके अपनी आयु की एक मिनट एक सेकेंड उम्र नहीं बढ़ा सकते हो, तो हे मूर्खों, तुम अपने खाने की, अपने पीने की, अपने पहनने की चिंता क्यों करते हो? क्यों करते हो? तुम अपने शरीर के बारे में, इस शरीर के विषय की चिंता क्यों करते हो? अरे जिसने इस शरीर को बनाया, क्या इस शरीर की चिंता नहीं करेगा? जब वो पक्षियों को बनाया तो उनके भोजन की चिंता, उनके रहने की चिंता करता है, तो तुम तो उन पक्षियों से कई गुना बहुमूल्य हो, मूल्यवान हो, तो क्या वह तुम्हारे खाने, तुम्हारे पीने, तुम्हारे पहनने की चिंता नहीं करेगा? इसीलिए वह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर दोनों को हासिल करना चाहे, अगर चाहे कि मैं परमेश्वर को भी प्राप्त कर लूं और यहां संसार के सारी दौलत, सारे सुख सुविधाओं को भी प्राप्त कर लूं, नामुमकिन है। कहता है एक की चिंता करो, वो भी परमेश्वर की चिंता करो। अगर तुम परमेश्वर की चिंता करोगे, परमेश्वर की आराधना में लगे रहोगे, परमेश्वर के राज्य की चिंता करोगे, तो अवश्य है कि इस संसार की सारी चीजें परमेश्वर आपके कदमों में डाल देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के धुन में, उसके विश्वास में, उसकी आराधना प्रार्थना, उसके पीछे चलने में, पवित्रताई में रहने में
हमेशा बने रहो कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन की जितनी जरूरतें हैं वह आपको पूरा कर दे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महिमा की आशीष बरसाएगा। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए कि उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे प्रभु इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हुआ है तो हर पाप हर गुनाहों को हे परमेश्वर क्षमा कर। हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई भी पाप कोई गुनाह न होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जहां भी रहें सुरक्षित रहें भले चंगे रहें, कोई दुख कोई तकलीफ कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए क्योंकि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से जितने बीमार हैं उन बीमारों को आदेश करता हूँ कि उनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच की सारी बीमारियां बेसिक्षण नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर आंख से लेकर हे परमेश्वर कान तक नाक तक मुंह तक जो भी बीमारियां निकल जाए, गले की बीमारियां सीने की पेट की बीमारियां नष्ट हो जाए, कमर घुटने जोड़ों जोड़ों की दर्द तकलीफें जो भी है नष्ट हो जाए, नसों में प्रॉब्लम हो तो नष्ट हो जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम मांसपेशियों का प्रॉब्लम निकल जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, लीवर जैसी बीमारियां निकल जाए, किडनी जैसी बीमारियां निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से लकवे की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर बवासीर नष्ट हो जाए, पथली निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी किसी भी प्रकार का चर्म रोग खाद खुजुलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्तनोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो प्रभु यीशु के नाम से उन्हें संतान मिले, उनके गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते विदा हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु आज हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे महान स्वामी हे अनुग्रह करने वाले प्रभु अपने भारी अनुग्रह भारी दया से प्रभु इनके जीवन में महिमा की आशीष बरसा ताकि हर कोई तेरे महिमा को पाए और तृप्त तो होने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हुए जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने नौकरी के तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार के तलाश में रोजगार दे, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज से इन्हें मुक्त कर दे, ओ परमेश्वर घर नहीं घर दे और हे परमेश्वर जीवन की सारी जरूरतों को पूरा होने दे। जिसके शरीर में घर में परिवार में दुष्ट आत्मा का हरकत हो यीशु के नाम में निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितनी सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर हर एक के जीवन में घर में परिवार में आशीष दे, परिवार में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, परिवार का हर सदस्य में एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई यहाँ तो खत्म होने पाए, हे परमेश्वर उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके जिस पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें चल रही है उनका तलाक बिल्कुल खत्म होने पाए, उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाए, वह दोनों एक मन हो जाए मिल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ऐसी आशीष आने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु इनके जीवन में हे परमेश्वर घर से लेकर बाहर तक हे परमेश्वर शैतान की हरकतों से लेकर हे परमेश्वर जो भी परेशानियां वह सब खत्म होने पाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर पूरे प्रांत के ऊपर आशीष दे, हर जिले हर नगर हर गांव के ऊपर आशीष दे। इस देश के शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं हे परमेश्वर, जितने भी मंत्री हैं नेता हैं हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष से भर जाए और सबके सबको ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने पाए और देश के जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को सही ढंग से चलने पाए, इस देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है प्रभु भर दी जाए। हे परमेश्वर न्यायपालिकाओं के ऊपर आशीष दे ताकि हे परमेश्वर न्यायालय में जितने केस मुकदमे चल रहे हैं उनका न्याय सच्चे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक का मुकदमा हर एक के हक में होने पाए। मेरे महान परमेश्वर विनती करता हूँ कि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। हे परमेश्वर जिसके शरीर दुष्ट आत्मा की हरकतें ओ गंदी आत्माएं निकल जाए, ओ प्रभु अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ओ पवित्र आत्मा हर एक के शरीर को सोले रिगा बा 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 संदोलो रे बा रबा सखा वरन देले रे होली 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 ओ रबा सिखा रा 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 देले रे बंदोलो रे बा सखा वरन दो सबरवा। महान परमेश्वर स्वर्ग की आशीष हर एक के जीवन में आने दे ताकि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से हर जाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।